सोलो मॉडल सेविंग रेट स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया स्टेडी स्टेट को के सोलो मॉडल का कंक्लूजन ये है कि इकोनोमी जो है वो फाइनली स्टेडी स्टेट पोजीशन पर आ जाएगी और स्टेडी स्टेट से मुराद ये है कि कैपिटल पर वर्कर कंजम्पन पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर जो हैं ये कॉन्सटेंट हो जाएंगे ओवर टाइम सो कंजम्पशन पर जैसे मैंने लास्ट मॉड्यूल में बताया कि ये एक इंडिकेटर है वेलफेयर का सो so, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि लॉन्ग रन में लिविंग स्टैंडर्ड क्या होंगे तो इसका मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं कंजम्पशन को एज एन इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लेकिन कंजम्पशन कैसे डिटरमिन होती है जैसे मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट में जब के कांस्टेंट हो गया तो आउटपुट कांस्टेंट होगी और कंजम्पशन कांस्टेंट होगी तो हम देखना चाहेंगे कि ये जो कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड है ये लॉन्ग रन में अगर हम स्टेडी स्टेट पोजीशन को अफेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुंस कर सकते हैं तो इस जिमन में तीन फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं नंबर वन सेविंग रेट नंबर टू पापुलेशन ग्रोथ रेट एंड थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ये तीन हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि सेविंग रेट से कैसे आपका लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अफेक्ट होगा इस ग्राफ की मदद से हम इसे समझते हैं ओके ये ग्राफ लास्ट मॉड्यूल में भी हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था हॉरिजेंटल एक्सेस पर के स्मॉल के कैपिटल लेबर रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपकी स्टेडी स्टेट इन्वेस्टमेंट की लाइन है पर वर्कर और ये कर्व जो है ये दो कर्व्स हैं आपके पास ये दो डिफरेंट सेविंग रेट्स पर हमने ड्रा किए हैं नीचे वाला कर्व उस पर सेविंग रेट स्मॉल एस क्या है सेविंग रेट ओके सो एस वन इज वन सेविंग रेट एंड एस टू एंड अनदर सेविंग रेट बट एस वन इज़ लेस देन एस टू ठीक है से एस वन आपका टेन परसेंट है और एस टू आपका ट्वेंटी परसेंट है तो मैंने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि सेविंग रेट के बढ़ने से ये जो कर्व है सेविंग वाले ये अपवर्ड शिफ्ट होते चले जाएंगे ओके okay? और अगर ये सेविंग रेट बढ़ते आप इसे हंड्रेड परसेंट ले जाए तो ये सेविंग रेट ही आपका प्रोडक्शन फंक्शन ही सेविंग सेविंग का कर्व बन जाएगा तो इनिशियली जब आपका सेविंग रेट एस वन है ओके okay. उस पर स्टेडी स्टेट पोजीशन क्या है दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ए ए पर सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो रही ओके सो के वन स्टार इज़ योर इनिशियल स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ के और इस पर अकॉर्डिंगली आपकी वाई डिटर्मन हो जाएगी और आपकी सी डिटर्मन हो जाएगी लेकिन अगर सेविंग रेट में इजाफ़ा हो जाता है इजाफ़ा कैसे हो सकता है डिफरेंट गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ठीक है जिसकी मदद से टैक्सेस में कोई ऐसी चेंजेस लाए इन्वेस्टमेंट के के लोग जो है वो ज़्यादा सेविंग करना चाहें ठीक है या उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो सेविंग में किसी भी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से किसी भी वजह से इजाफा हो जाए तो सेविंग का कर अपर्ड शिफ्ट हो जाएगा आप शिफ्ट होने से सीखें इनिशियली इकोनॉमी अपनी स्टेडी स्टेट पोजिशन इक्वियम में थी एट पॉइंट ए के की वैल्यू के वन स्टार थी और अकॉर्डिंगली वाई और बाकी सारी चीज़ें थी सी तो जब एट दैट वेरी मोमेंट जो इकोनॉमी अपनी स्टडी स्टेट पोजिशन में है जब उस लम्हे जब सेविंग रेट बढ़ जाएगा तो फौरी तौर पर क्या होगा कि अब उस पर आपकी सेविंग ज़्यादा है और आपकी इकॉनमी की जो कैपिटल को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है वो कम है आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और उसको मेंटेन करने के लिए कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि के विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज़ करते हुए कहाँ जाएगा जो नया आपका एक पॉइंट है बी जिस पर न्यू सेविंग कर आपकी उस स्टेडी स्टेट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस विल बी द न्यू एक पॉइंट तो के वन से इकॉनॉमी मूव करेगी ट्रांजिशन कुछ पीरियड होगा जिसमें ये वक़्त लगेगा एडजस्टमेंट में लेकिन अल्टीमेटली इकॉनॉमी के टू स्टार पर पहुंच जाएगी के टू स्टार पर पहुँच कर अगेन क्या हो जाएगा के कॉन्स्टेंट हो जाएगा के कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वाई कॉन्सटेंट हो जाएगा वाई कॉन्सटेंट होगा तो सी कॉन्सटेंट हो जाएगा तो लेकिन ये पहले से आप एक हायर एक लेवल पर चले जाएंगे और आपका कंजम्पशन और वाई और के इन सब में इजाफा हो जाएगा हायर सेविंग रेट के नतीजे में जब सेविंग रेट बढ़ा तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो उसके नतीजे में क्या होगा कैपिटल लेबर रेशियो इंक्रीज़ होगी आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज़ हो जाएगी और कन्जम्पन पर वर्कर इंक्रीज हो जाएगी ये चूंकि हमने शुरू में एजम्पन ली थी कि कन्जम्पन जो है इकोनमी अपने जो गोल्डन रूल है गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो है उससे बिलो है यानी जब भी हम के इंक्रीज़ करेंगे ये हमारी एजम्पन है तो हमारी कन्जम्पन इंक्रीज़ करेगी तो इस वजह से सेविंग रेट के बढ़ने से ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी सो फिर इसका मतलब क्या होगा कि क्या हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे हम सेविंग में इजाफा करते रहें क्या यह डिज़ायरेबल है कि सेविंग रेट में इजाफा किया जाए ये डिज़ायरेबल तो है लेकिन नॉट ऑलवेज ठीक है क्योंकि जब भी आप सेविंग करते हैं तो उसकी उसका बेनिफिट क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और फ्यूचर में आपके पास आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी और आउटपुट के ज़्यादा होने से कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी इसका बेनिफिट है लेकिन उसकी कॉस्ट भी है कॉस्ट उसकी ये है कि जब आप सेविंग रेट बढ़ाते हैं तो एट देट वेरी मोमेंट जिस पर आप सेविंग बढ़ा रहे हैं तो आपकी उस लम्हे आपकी कंजम्पशन उस टाइम पीरियड में आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है ये उसकी कॉस्ट है ओके सो बेनिफिट है कि लॉन्ग रन में आपकी आउटपुट बढ़ती है और कंजम्पशन बढ़ती है लेकिन शॉर्ट रन में इमीडिएट उसका उसकी कॉस्ट क्या है कि इमीडिएटली आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है सो so, ये एक तरह से यू कैन से इट इज़ अ ट्रेड ऑफ़ बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन सेविंग इंक्रीज़ करने से आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन कम हो जाएगी और आपकी फ्यूचर कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी तो इसलिए बाज़ ये जो कॉस्ट है यानी कॉस्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ अ डिक्रीज़ इन द प्रेजेंट कंजम्पशन ये बाज़त इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपके जो बेनिफिट है उसको वो ऑफसेट कर दें तो इसलिए ये इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि सेविंग रेट बढ़ाना डिज़ायरेबल है लेकिन नॉट ऑलवेज़ कि हम सेविंग बढ़ाते चले जाएँ उससे हमारी स्टेडी स्टेट पोजिशन बढ़ उसमें यानी कंजम्पशन और इनकम में इजाफा होता चला